कमल जी, क्या किया जाना चाहिए तो पलायन रुके? जी अभी मैं एक थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देना चाहता हूँ कि अभी अगस्त सितंबर के महीने में हम लोगों ने एक यात्रा निकाली थी, बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल यात्रा। जब हमने घोषणा करी थी उस समय बीजेपी और जदयू की सरकार थी, और जब तक हम लोग उसका तिथि आया तब जो है बीजेपी और राजद की सरकार आ गई। अभी थोड़ी देर की बहस में आपने देख लिया कि जो है आरोप प्रत्यारोप सिर्फ चल रहा है। आज जो स्थिति है, अगर आप देखें जो बेरोजगारी की जो स्थिति है, अगर उसको हम समझना चाहें तो एक तरह से हम लोग एक टिकिंग एटम बॉम्ब पे बैठे हुए हैं, जिसका ट्रेलर आप लोगों ने देखा होगा। जब अग्निपथ योजना आई तो देश में कितना बड़ा आंदोलन हो गया, जब आपने देखा होगा आरआरबी एनटीपीसी का परिणाम है। बता दीजिए वित्त मंत्री को, विश्लेषण बता दीजिए। देखिए हम लोग एक जो पूरे यात्रा के दौरान जो प्रस्ताव लेकर के गए थे उसी प्रस्ताव में तीन हमने मुख्य मांगे करी थी। सबसे पहले तो ये कि पूरे देश में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सरकारी नौकरियों की जितनी स्वीकृत पद हैं, स्वीकृत पद पहले से ही है, जिसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं है, पहले से पद स्वीकृत हैं, उस पर टाइम बाउंड रिक्रूटमेंट हो और फेयर रिक्रूटमेंट हो। जिसकी संख्या है, क्योंकि पेपर लीक वीक खबरें आती रहती हैं, आप हर दिन देखते हैं कि जो है पेपर लीक होता रहता है। तो सबसे पहली मांग तो यह है कि भाई टाइम बाउंड और फेयर रिक्रूटमेंट हो। दूसरी बात, अभी जो 2020 में देखा होगा आपने, 21 में 20 में जो माइग्रेशन की बात अभी कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट साथी, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसको लेकर के 2 साल हो गए, इसको लेकर के, इसको ठीक करने को लेकर के हमने कोई बात नहीं की। तो हमें उम्मीद है कि इस बजट में हम इसको लेकर के कोई विशेष प्रावधान करें, ताकि जो पिछले साल सरकार ने 60 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, बिल्कुल कंपनियों के माध्यम से प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम चालू की थी जी, और इंसेंटिव देके उससे प्राइवेट सेक्टर में और खुद निजी सेक्टर में तो वो रोज हर कुछ दिन में वो मेला लगाते रहते हैं। आज स्थिति ये है, सरकारी सेक्टर में लगाते रहते हैं मेले जी। मैं एक मिनट बस उस माइग्रेशन वाली बात को कंप्लीट कर लूं। आप इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा अभी कि किसी भी गांव में जाए तो वहां यूथ नहीं है, वो कहां है और कितने रुपयों के नौकरी के लिए वो बाहर है, ये आप सोचिए। अगर किसी भी व्यक्ति को वो मिनिमम वेजेज पे काम करने के लिए तैयार है, और मिनिमम वेजेज पे काम करने के लिए भी अगर रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, माल ढोने के लिए